दोस्त, मैं आपका इंटीरियर दोस्त। मेरी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है। अगर आप 2023 में नया मकान बना रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप किस टाइप के खिड़की दरवाजे लगाएं, तो माय डियर 5 मिनट का समय निकाल के ये वीडियो जरूर देख लें आप पूरी, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा कि कम पैसे में, कम बजट में आप अच्छी विंडो डोर्स कौन सी लगा सकते हैं। जो ओनर होता है, ओनर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ओनर पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि जब डीपीसी लेवल से फिर आगे जब स्टार्ट करते हैं, तो अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो वहां पे तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर पहले बोलने लग जाता है कि साहब खिड़की दरवाजे ले आओ वरना प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 2023 में मकान बना रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि चाहे आपका कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी कहे, आप एक ही बात बोले कि भैया जहां जहां मेरी विंडो डोर्स आने हैं उनकी स्पेस आप खाली छोड़ दीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए जहां पे आपको विंडो डोर्स लगानी है वहां पे आप 2-3 चीजें यूज कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहली बात कि या तो आप वहां पे क्या करेंगे कि जो आपके, देखो दो चीजें होती है विंडो डोर्स में भी, दो चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है एक्सटीरियर और एक होती है इंटीरियर। अब एक्सटीरियर कहते हैं जो भी विंडो डोर्स आपके बाहर रहेंगे, एक्सटीरियर में रहेंगे, उनको मॉइस्चर भी सहन करना पड़ेगा, उसको एनवायरमेंट इफेक्ट भी सहन करना पड़ेगा, उसको डस्ट भी सहन करनी पड़ेगी, उसको धूप भी सहन करनी पड़ेगी। तो आपको सोचते हुए प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि आप ऐसा क्या प्रोडक्ट लगाएं जो लॉन्ग टाइम तक मेंटेनेंस फ्री हो। जो अंदर की चीजें हैं उसमें आपको इंटीरियर वाले डोर्स यूज कर सकते हैं, उसमें आप ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंदर के जो खिड़की दरवाजे हैं उनको कोई डस्ट नहीं लगेगी, उनको कोई डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी, उन पे कोई डायरेक्ट पानी नहीं लगेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, तो अगर आप नया मकान बना रहे हैं 2023 में, तो ये समझने की जरूरत है कि आपका एक्सटीरियर क्या कहता है और आपका घर के अंदर के डोर्स विंडो है वो क्या कहते हैं, उसके हिसाब से ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे वो लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबिलिटी भी उनकी अच्छी रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक्सटीरियर के बारे में। अब माय डियर देखिए, जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि लकड़ी और पानी का बैर है। अगर आप ओरिजिनल लकड़ी लगाने की सोच रहे हैं, अब लकड़ी में कौन कौन सी लकड़ी आती है आपको मैं बताता हूँ। सागवान की लकड़ी आप यूज कर सकते हैं। 99% जो प्रीमियम कैटेगरी के लोग हैं वो सागवान की लकड़ी यूज करते हैं। कहाँ के लिए? एंट्रेंस डोर के लिए या ऐसे डोर्स के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सागवान की लकड़ी का मिनिमम रेट 600 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, और उसके ऊपर फिर आप पॉलिश कराओ, फिर आप और सारे बहुत सारे मेंटेनेंस हैं। चलो सारे काम आपने करा लिए, लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने एक्सटीरियर में सागवान लगा लिया है जहां पे धूप उसको लगनी है, जहां पे बारिश उसको लगनी है, तो माय डियर आप ये समझ लो कि आपने हर साल या हर दो साल में आपने मेंटेनेंस का काम ले लिया है, जिससे आपको हर दो साल में मेंटेनेंस देनी ही देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो उनकी या तो पॉलिश खराब हो जाएगी या कहीं ना कहीं उन पे एनवायरमेंट इफेक्ट होंगे, उनके साइज चेंज हो जाएंगे। तो माय डियर फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सटीरियर के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया आपको बताता हूं, अगर आप 2023 में मकान बना रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह कि एक्सटीरियर में या तो आप सिस्टम एल्यूमिनियम यूज करें या आप यूपीवीसी विंडो डोर्स यूज करें। इससे क्या होगा कि यूपीवीसी विंडो डोर्स में पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता, धूप का कोई इफेक्ट नहीं होता। हर कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं मेरी कंपनी की नहीं कहूंगा, चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको 10 साल 15 साल मेंटेनेंस फ्री की वारंटी मिलती है। और कई कंपनियां तो ऐसी हैं कि जैसे हमारी कंपनी है 13 साल तक मेंटेनेंस फ्री की भी दे रही है, जो हार्डवेयर पे कह रही है कि अगर हार्डवेयर में भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो 13 साल तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसका सॉल्यूशन करके दूंगी। तो माय डियर अगर आप आज नया मकान बना रहे हैं, देखिए समय बदलाव मांगता है और आज बदलाव आ चुका है विंडो डोर्स में। अगर आज के टाइम पे आपसे कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं, मेरे पास खेती है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं खेती से रिलेटेड ही आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर कोई बंदा आज के टाइम में ये कहे कि भाई मैं 5 किल्ला मेरी खेती है, 5 एकड़ मेरी जमीन है और मैं ये खेती बैलों से करना चाहता हूं, तो सारा गाँव उसको यही कहेगा कि ये बेवकूफ वाली बात है, क्योंकि बैलों से खेती उस टाइम होती थी जब मशीनरी नहीं आए थे, जब ट्रैक्टर नहीं थे, मशीन नहीं थे। आज वो बैलों से करने में 6 महीने लगते थे उस काम को, आज उस काम को मात्र कुछ घंटों में किया जा सकता है, हो सकता है 6 घंटे से भी कम में किया जा सके। तो ऐसे ही खिड़की दरवाजों का है माय डियर, आप दूसरे के मकान को देख के मकान ना बनाएं। आपका मकान है, सेलेक्ट करना भी आपका काम है कि आप क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। और मैं आपको, आपके इंटीरियर दोस्त, एक ही बात बोलूंगा,
कि मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि जो एक्सटीरियर में प्रोडक्ट आप लगाएं, चाहे आप विंडो डोर्स लगा रहे हैं, चाहे आप कोई और चीज़ लगाएं, वो चीज़ लगाएं जो आपसे मेंटेनेंस ना मांगे। क्योंकि आदमी की स्टेज हर वक्त एक जैसी नहीं होती, कई बार आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, कई बार हो सकता है एक रुपया भी ना हो। तो माय डियर, आप एक्सटीरियर में अगर पैसे बचाना चाहते हैं और आप ऐसे प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं कि जिन प्रोडक्टों से ड्यूरेबिलिटी, जिनकी लाइफ टाइम रहे, जिनको एनवायरमेंट इफेक्ट कोई ना हो, तो आप यूपीवीसी विंडो डोर या सिस्टम एल्युमिनियम आप यूज करें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको इनमें मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज आपको इनमें मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यूपीवीसी विंडो डोर हो चाहे सिस्टम एल्युमिनियम हो, एयर टाइट रहती है बिल्कुल पूरी तरीके से। जैसे गाड़ियों के जब हम शीशे ऊपर कर देते हैं तो गाड़ियों में क्या है, चाहे कितनी भी तेज बाहर डस्ट उड़ती रहे, गाड़ी के अंदर कभी भी नहीं जाती कार के अंदर, ऐसे ही यूपीवीसी विंडो डोर्स है। अगर आपने एक बार यूपीवीसी विंडो डोर आउटर पे लगा लिए तो आपका घर जो है पूरी तरह साउंड, मतलब पूरी तरह डस्ट प्रूफ हो जाएगा, पूरी तरह उसमें नॉइज नहीं जाएगी, कोई भी आवाज़ नहीं जाएगी, नॉर्मल जो आवाज़ आती है वो बिल्कुल नहीं जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यह कि एनवायरनमेंट इफेक्ट कोई भी नहीं है, चाहे आप डेली पानी से धो लो। और अगर मैं यूपीवीसी विंडो डोर्स या एल्युमिनियम के रेट्स की बात करूं, देखिए यूपीवीसी विंडो डोर्स अगर वाइट कलर की मैं बात करूं और टफन ग्लास के साथ बात करूं, तो इनके रेट डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप यूपीवीसी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो 150-200 आप उनमें देख सकते हैं कि माय डियर यूपीवीसी का रेट जो डिपेंड करता है वो करता है डिज़ाइन पे। अब जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि फिक्स विंडो है, आप यकीन मानिए जो मेरे पीछे ये दिख रही है आपको, जिसमें जॉर्जन बार लगे, ये फिक्स विंडो विदाउट जॉर्जन बार मात्र 280 रुपये स्क्वायर फीट है। तो माय डियर यूपीवीसी के जो रेट है वो 300 रुपये से स्टार्ट होके और वाइट में 1500 रुपये स्क्वायर फीट तक चले जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन क्या ले रहे हैं, आप फिक्स विंडो ले रहे हैं, टू ट्रैक ले रहे हैं, थ्री ट्रैक ले रहे हैं, फोल्ड एंड स्लाइड ले रहे हैं, टील एंड ट्रंट विंडो ले रहे हैं, या आप किस टाइप की सेंट्रल ओपनिंग ले रहे हैं, फ्रेंच डोर ले रहे हैं, आप किस टाइप की ओपनिंग ले रहे हैं, इस चीज़ पे यूपीवीसी का रेट डिपेंड करता है। और अगर मैं सिस्टम एल्युमिनियम की बात करूं तो सिस्टम एल्युमिनियम मिनिमम 1000 रुपये से स्टार्ट होके और लगभग 2500 रुपये तक के हैं, जो आप अपने बजट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। हाँ, एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ माय डियर, आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम मेंटेनेंस से रिलेटेड नहीं आएगी। कम से कम ये मान के चलो कि आज आप 2023 में मकान बना रहे हैं तो 2033 तक तो आप कम से कम विंडो डोर से टेंशन फ्री रहेंगे, ये मेरा बिल्कुल आपसे वादा है। और माय डियर, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो नए मकान बनाने में तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो माय डियर दूसरे लोगों से शेयर जरूर कर लीजिए। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, नए मकान बनाने में आपके 1-2 लाख रुपये आसानी से बचा दूंगा खाली अपनी इन्फॉर्मेशन के बदौलत। माय डियर, जब हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम सामने वाले से सही से बार्गेनिंग कर पाएंगे, ये आपको भी बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्षमा चाहता हूँ, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और हाथ से ही पकड़ के बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो मेरा स्टैंड है वो अभी काम नहीं कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।